आज हम शुरू करने जा रहे हैं भारत दर्शन का तीसरा एपिसोड, जिसमें कि हम आ पहुंचे हैं महाराष्ट्र के सतारा में स्थित विश्व प्रख्यात शिव की नगरी महाबलेश्वर में। यह जगह इतनी सुंदर है कि हर साल लाखों लोग यहाँ छुट्टियाँ मनाने आते हैं। यह जगह इतनी सुंदर है कि ये अंग्रेजों के समय में बॉम्बे प्रेसिडेंसी की समर कैपिटल हुआ करती थी। और इन्हीं सुंदर पहाड़ों से निकलती है हमारे आज के एपिसोड की शान कृष्णा। यह नदी अपने नाम की ही तरह सुंदर है। यह नदी लगभग 3 लाख किलोमीटर² के एरिया को सींचती है, जो कि दक्षिणी प्रांतों की जीवन धारा की तरह काम करती है। यह दक्षिण की दूसरी और भारत की चौथी सबसे बड़ी नदी है। कृष्णा के यह दृश्य शायद ही आपको कहीं देखने को मिले। यही नदी बारिश के समय भारी बाढ़ के कारण अधिक प्रचंड रूप ले लेती है। दक्षिण ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए भी नदी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में श्रीसेलम और नागार्जुन जैसे बांधों का होना बहुत फायदे की बात है। यहाँ तक कि ईंट पत्थर से बना ये नागार्जुन डैम दुनिया का सबसे ऊंचा डैम है, जो कि इसी कृष्णा नदी पर बना हुआ है। और तो और तुंगभद्रा और प्रभा जैसी बड़ी बड़ी धाराएं कृष्णा को और सुंदर रूप देती हैं। इसी तरह महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को सींचते हुए ये नदी अपने मुकाम तक पहुँचती है। अब कृष्णा पहुँच चुकी है बंगाल की खाड़ी के नज़दीक, जहां पर ये कृष्णा डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना 1400 किलोमीटर लंबा सफ़र ख़त्म करती है। यह था भारत दर्शन का तीसरा एपिसोड, उम्मीद है पसंद आया होगा। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे भारत दर्शन के एक नए एपिसोड और नई जगह के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।